लीला देवी, ग्राम पंचायत राज जहांगीर पटेढ़ा की मुखिया हूँ। मैं पहली बार जनता ने सहयोग दिया तो मैं मुखिया बनी। आप क्या अपने क्षेत्र में जो 5 साल आपका कार्यकाल रहा, 5 साल में आपने जो योजनाएं थी सरकार की, कैसे लोगों तक पहुंचाया आप? जैसे बहुत सारी योजना है, नल जल है, पक्की सड़क है, इंदिरा आवास है, शौचालय, बहुत सारी योजनाएं आप लोग की थी। बहुत सारी योजना है, रोड भी ढलवाए, गली नली भी सोलिंग किए, नल जल का भी काम हुआ। आपके क्षेत्र में नल जल का योजनाएं कैसे कारगर हुई पूरा बढ़िया से? बहुत जगह शिकायत आती है कि पाइप फट गया, नल ये नहीं लगाया हुआ, पानी नहीं चल रहा है, पानी नल लग। आपके क्षेत्र में कैसा है? ठीक है, मेरे क्षेत्र में ठीक है, टोटल वार्ड आपके क्षेत्र में कितना है? 15 है। सब जगह लग चुका है नल जल का ठीक है, योजना। एक जगह 12 नंबर में है, मुसा टोली में, वो अभी बन रहा है सड़क, पक्की सड़क का जो है वो जी, 15 सब हो गया जी वार्ड में कंप्लीट जी फिनिश, अब और शौचालय 15 नंबर वार्ड में तभी है कि ना, हम तो नहीं गए तो अपने कितने लोगों को इंदिरा आवास दिलाया आपने? इंदिरा आवास इंदिरा आवास तो बहुत आदमियों को मिला है, और कितने लोग को और बाकी है? अभी बाकी है, एक किस्त मिला है, अभी बाकी है। अगर जनता जनार्दन आपको दोबारा कुर्सी पर बैठा देती है मुखिया के पद पे, तो जो बाकी योजनाएं हैं कैसे पूरा पूरा करेंगे, उस समय आएगा तभी तो, अब करेंगे? अब अपने जो मुखिया पंचायत बनेंगे तभी तो हम कर सकते हैं। पंचायत में क्या किया आपका लग रहा है विकास होना चाहिए, आप अपने तरफ से बताइए जो विकास पंचायत में लगे कि आप अपने पंचायत को नंबर 1 आदर्श जैसे पंचायत। शिक्षा को लेके हो गया, आप लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं, ऐसे कुछ आपने सोचा है? बहुत सारी योजनाएं अपने तरफ से है, जैसे रेल। जैसे कितना भी मजदूर है वो बौगा रहा है, बौगा रहा है, खाने के लिए मर रहा है, तो हम चाहते हैं कि कोई रोजगार दे सरकार, मेरे माननीय नीतीश जी, कोई रोजगार दे जो कोई भूखा नहीं मरे। क्या आप रोजगार चाहती हैं? क्या आपके क्षेत्र में ऐसा लगता है रोजगार है? मेरे क्षेत्र में तो कोई भी रोजगार नहीं है, वो जो मजदूर लोग हैं खेत में मजदूरी करते हैं, खाते हैं। आप अपने स्तर से गरीबों को कोरोना काल में कैसे मदद किया था? मदद किया जो हमें लगा वो मदद किए, जैसे राशन से, पैसा से, जो भी हमको सुझाव हुआ वो हम किए। क्या मांग करती हैं बोलिए। मांग कर रहे हैं इसलिए कि जो हम लोग को मिला सुझाव कि वो सब पैसा मिलेगा, जो मुखिया जी खर्चा करेंगे वो पैसा मिलेगा, पैसा हम लोग का नहीं मिला है तो अभी आप तक। सीओ है, डीओ ऑफिस कहीं जाती हैं आप, वो इसके आवाज उठाया, लिखित शिकायत कहीं की है? मीटिंग में तो गए हैं, मीटिंग एक बार हुआ था तो उसमें ब्लॉक में, तो उसमें हम गए।